कब्जा कहाँ किया? हम लोग तो कक्ष के बाहर बैठे थे। कब्जा तो जदयू की पुलिस ने पूरे विधानसभा के अंदर बाहर किया हुआ, नहीं देखे क्या? और पहली बार तो हुआ नहीं है। और आप तो न्यूज 18 चैनल से हैं, फिर से ज्वाइन हो गए। अब न्यूज 18 चैनल तो हम लोगों को अक्टूबर से इलेक्शन है, से इलेक्शन कैसे लड़ा जाता है, राजनीति कैसी होती है, हम लोगों को सिखा रहा है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि न्यूज 18 जो चैनल है वो कम से कम एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन खोल लें। वन कैसे लालू जी को, विपक्ष के लोगों को कैसे राजनीति होती है वो सिखाया जाए। कभी कभी नीतीश कुमार जी को भी बौखला जाते तो सिखाइए अपने इंस्टीट्यूट में बुला करके। सरकार के मंत्रियों को बुलाए कि भैया भाई को नहीं भेजते हैं किसी उद्घाटन में, बेटे को नहीं जांच के लिए भेजते हैं, थोड़ा जदयू और भाजपा के लोगों को भी बुला के सिखाइए अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। हम लोगों का तो अक्टूबर से आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। किसी विधायक ने पहली किसी पे उठाया? चुपचाप से बाहर बैठे हुए थे ना, कक्ष के बाहर धरना दे रहे थे। शुरुआत कहाँ से हुई? पत्रकारों को पहले पीटना शुरू किया गया, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। कक्ष के बाहर बैठ करके धरना देने का इतिहास कोनो पहली बार का नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। और पहले कभी भी हम लोगों ने ऐसी घटनाएं नहीं देखी जहां पत्रकारों को, एक बार थोड़ी ना पीटा गया पत्रकारों को, तो इस सत्र में दो दो बार पीटा गया। वो लोगों को कोई कहने का अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री तो कहां रहते नहीं रहते। अब देखिए कल कौन उकसा रहा था विधान परिषद में, संख्या गिना रहा था, संख्या, कौन धमकी दे रहा था, देख लेंगे। ये बिहार का मुख्यमंत्री, गुंडों जैसी बातें करना, टपोरी जैसा बात करना, हर बात पे आग बबूला हो जाना मुख्यमंत्री, कोनो एक बार पहली बार आग बबूला हुए हैं क्या? कितनी बार आग बबूला हुए इस सत्र में, संख्या गिना रहे हैं। बोलते हैं हमारे लोग बैठे रहते हैं, यानी उनको खड़े होकर के जाओ लड़ो, लड़ने के लिए उकसाने के लिए कहा गया। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा क्या? मुख्यमंत्री उकसा रहा है अपने लोगों को, जाओ लड़ो, हमारी संख्या क्या है, तुम्हारी संख्या क्या है। जहां संख्या थी तो क्यों नहीं बैठे हुए थे मुख्यमंत्री जी? इतना संख्या, और बाहर थोड़ा पब्लिक के बीच जाइए, संख्या पता चल जाएगा। बाहर कहीं घूमने लायक होंगे? अरे इनको जनता ने नकार दिया है, नापसंद करते हैं, ये तो चोर दरवाजे के फर्जी मुख्यमंत्री हैं, फर्जी तरीके से बने। जदयू की पुलिस हो गई है, और ये अधिकारी लोग भी समझ लें, मुख्यमंत्री भी समझ लें कि हम भाजपा के लोग नहीं है जो इनके लाठी डंडे से हम लोग डरने का काम करेंगे। हमारा लड़ाई चलता रहेगा, और हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और नीतीश कुमार जी ने जो काला कानून जो पेश किया है, इसको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो संशोधन उनको करना पड़ेगा। किस तरह का कानून है ये? जब सीआरपीसी में पुलिस को राइट है गिरफ्तारी करने का, आपके सब पुलिस के सामने कोई घटना हो रही है तो गिरफ्तार कर सकता है, कार्रवाई कर सकता है, उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे काले कानून लगा रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप लिखो तो आपको जेल में बंद कर देगा, सरकार के खिलाफ कुछ बोलिए तो आपको जेल में बंद कर देगा, सदन में हम खड़े होकर विरोध करें तो हमारे लोगों को मारा पीटा जाएगा। थोड़ी सी भी लज्जा और शर्म नीतीश कुमार जी में अब नहीं रह गई, शर्म और नैतिकता को उन्होंने बेच दिया। अब तो ज्यादा दिन, कितना दिन कोई एक पद पे रहेगा मुख्यमंत्री के पद पे? कोई परमानेंट आज तक तो हुआ नहीं। और ये अधिकारी लोगों को समझना पड़ेगा, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आई हैं। सरकार कब पलटेगी कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये जो गुंडागर्दी जो की गई है मुख्यमंत्री के इशारे पे, सारी चीजें जो हैं आप स्पीकर महोदय पे डाल रहे हैं। बताइए नीतीश कुमार जी कि पहली बार कब अध्यक्ष के कक्ष का घेरा हुआ था, बताएं
कि कब कोई बिल का विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, लेकिन आप फोर्स बाहर से बुला बुला करके भेजने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं हो सकता। जो धरना स्थल है वहाँ लोगों को लाठी पीटा जाता है, वहाँ परमिशन नहीं दी जाती है, ऐसे लोकतंत्र में व्यवस्था होती है। और उस दिन ये काला कानून लाया गया जिस दिन लोहिया जी की जयंती रही, जिस दिन भगत सिंह ने अपनी शहादत देने का काम किया, शहादत दिवस के रूप में लोग मनाते हैं, क्या काम हुआ? लोहिया जी की जयंती, लोहिया जी ने कहा था, हम फिर से दोहराते हैं कि सड़कें अगर सुनी हो जाए तो सदन और सरकार आवारा हो जाता है। और लोहिया जी को उस दिन फूल चढ़ाने का काम कर, और आप सड़क से लेकर सदन तक जनप्रतिनिधियों को और मासूम लोगों को पिटवाने का काम कर रहे हैं लोहिया जयंती के दिन, और अंग्रेज का कानून ला रहे हैं जिस दिन भगत सिंह जी ने शहीद हुए, शहादत देने का काम किया। आपको बहस करना नहीं था, आपका पहले से प्री प्लांट था, और हमारे ऊपर जानलेवा हमला। ये पत्थर बोल्डर आए कहाँ से? हम सारे फुटेज लेकर के रखे हैं। ये लोग ना समझे कि यही लोगों की होशियारी चलेगी, इनसे ज़्यादा हम लोग होशियार हैं। और जिस प्रकार से इन लोगों ने हमला किया, कुछ जो बर्खास्त सौ जाती है, कभी देखा आपने सिविल ड्रेस में गुंडे की तरह घूम रहे हैं पूरे विधानसभा में? क्रिमिनल अपराधी घूम रहा है बाहर मजे से, अपराध कर रहा है। रुपेश हत्याकांड का कोई पता नहीं चला, गुप्ता प्रदेश का कुछ नहीं पता चला, इनकी पुलिस कर क्या रही है? क्या मंत्री का भाई गिरफ्तार हुआ? वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तारी हुई नहीं, वारंट वारंट कर रहे हैं। क्या मजाक बना रखा है? पालिका गृह हो, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार जी को नहीं कहा, सृजन घोटाला हो, क्या क्या नहीं हुआ, एक आध घोटाले हो तब तो बताएं। तो इसलिए इन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या की है, हम सभी माननीय सदस्य मिलकर के, सभी बिहार के लोग, जो 26 तारीख को जो कॉल हुआ है किसानों को लेकर के ऑल इंडिया, और हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार जो है वो बंद करने का काम करेंगे, जिसमें कि हमारा मुद्दा होगा किसान का तो कॉल है ही, साथ में बेरोजगारी का, और जिस प्रकार से काला दिन इन लोगों ने देखा है, हम लोगों ने विधायकों जनप्रतिनिधियों पर जिस प्रकार से लात जूते इनके जदयू के पुलिस वालों ने जो मारने का काम किया है, इसको लेकर के हम सभी लोग 26 तारीख को जो है वो बिहार बंद करने का काम